हेलो माई टू फैमिली, कैसे हो आप लोग दोस्तों। देखिए यहाँ पे है ना, सुबह मॉर्निंग में एक ट्रेड ली गई थी। पहले तो मैं कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेके गया था, ऑप्शन सेलिंग करके गया था, जब मार्केट ने यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग दी और यहाँ पे गैप अप भी था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ना गैप अप फिल कर सकता है आज के दिन, जो कि गैप अप के साथ ही इसने कर दिया। सॉरी, ये जो गैप है बीच का, ये फिल कर सकता है आज के दिन, जो कि इसने आज ही गैप अप के साथ फिल कर दिया। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुक करना सही समझा। तो सुबह मैंने प्रॉफिट बुक करा अच्छा खासा 2,500 के आसपास एक लॉट में, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। और दूसरा फिर यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ली थी, वो मैंने ली थी यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद। इस ब्रेकआउट के बाद मैंने ये ट्रेड ली थी और बहुत ही अच्छा प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा था, बहुत ही अच्छा प्रीमियम बढ़ा था। एक कैंडल में 30 पॉइंट कैप्चर किए थे मैंने ऑप्शन में, जिसमें मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया दोस्तों। उसके बाद ना मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मतलब जाने की कोशिश कर रहा था पर अटक रहा था। और यहाँ पे है ना, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट थी, ये जो गिरे हैं आप लोग RSI, तो यहाँ पे RSI भी था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर जाना चाहिए था तो एक बार में चला जाता, बट जब यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया जो भी मुझे मिला। फिर भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद जब ये दोबारा ऊपर जाने लगा और उसने अपने पूरी 50% रिकवरी दिखा दी, यहाँ से यहाँ तक 50% रिकवरी दिखा दी, तो मैं श्योर हो गया कि मार्केट अब अपना हाई तोड़ सकता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कॉल साइड में एक पोजीशन बनाई, जिसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला, इसका प्रीमियम बहुत ही अच्छे से काम किया। उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे बुक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे मार्केट के दो चांसेस हो सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ से आकर कंटिन्यू रैली कर दे, या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना ऑप्शन सेलिंग कर रखी है। और मैं अगर आपको अपना प्रॉफिट दिखाऊँ तो 16,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग चल रही है। मैंने टाइम डीके की वजह से थोड़ा एट द मनी प्रीमियम सेल किया, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा कंटिन्यू में, तो पूरा प्रीमियम मिलना चाहिए। इस वजह से इनफ प्रॉफिट हो चुका है, तो ज़्यादा लॉस लेंगे नहीं और ओवर ट्रेडिंग करेंगे नहीं। ओवर ट्रेडिंग पर आप लोग कंट्रोल कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए और सबके लिए। तो ओवर ट्रेडिंग करनी नहीं है, ज़्यादा ट्रेड लेनी नहीं है, बस यहीं पे मार्केट अगर रहता है जहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना मिलता है हम बुक कर लेंगे, कंटिन्यू में आता है तो हम लोग होल्ड कर लेंगे। अगर दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगा तो एक्सिट कर देंगे अपनी पोजीशन से दोस्तों। जो भी होगा आपके साथ अपडेट कर दूंगा। चैनल पर बने रहना, वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।